जनपद फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय पर काफी संख्या में शिक्षा मित्रों ने डेरा डाला। प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को दोष देते हुए अखिलेश सरकार को याद किया व मांग पूरी न होने पर धरने को नया मोड़ देते हुए रोड जाम, भूख हड़ताल व अंतिम सांस तक धरना प्रदर्शन पर रहने का व परिवार सहित आत्महत्या करने का भी विकल्प चुनने को कहा। 17 सालों से समाज की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब हमारा मानदेय 3500 रुपए था तब किसी को कोई समस्या नहीं थी। आज जब हम अपने सम्मान के साथ पहुँचे हैं 35,000 पर, तब सबको परेशानी हो। हमारी समस्या जब मोदी जी अपने मन की बात सबको सुनाते हैं, मेरे मन की बात सुनिए। आज मोदी और सबका साथ सबका विकास मोदी जी करते हैं, ये कैसा विकास है कि 1,72,000 लोगों को घर बिठा दिया गया। मोदी जी ने अपने मन की बात तो सुना दी, हम लोगों की मन की वेदना को सुनिए। मोदी जी एक शब्द नहीं बोले तो परसों से धोने लोग हैं मोदी जी को, उन्होंने 2 शब्द नहीं बोले लोगों की सहानुभूति के लिए। वही मोदी जी है जो जनता के लिए और जनता के काम के लिए ही प्रधानमंत्री जी बने हैं। और सबका विकास सबका साथ सबका विकास सबका विकास, बेरोजगारी खत्म करेंगे। 1,72,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनके साथ उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, आज सड़क के किनारे लाके खड़ा कर दिया। राजनीति के तहत ही ऐसा किया गया है क्योंकि कोर्ट किसी को बेरोजगार नहीं करता है। हमें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही ये राजनीतिक लग रहा है। इन्होंने हमारे भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। 17 सालों से जो सेवा कर रहे हैं, आज उनको एक बार में ही कोल की तरह लात मार के सड़क के किनारे खड़ा कर आत्महत्या करेंगे और झंडा नहीं फहराएंगे। एक तरफ जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन ने भी धरने को कड़ाई से लेते हुए काफी संख्या में फोर्स की व्यवस्था की, जिसमें 4 थाना अध्यक्ष, 1 CO, SP City, 1 दमकल की गाड़ी धरना स्थल पर मौजूद रही। प्रमुख मांग ये है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसा कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इन लोगों को मानदेय पर रख सकती है या इनको 2 भर्ती परीक्षाओं में इनके अनुभव और उम्र सीमा में छूट दे करके या टेट का लबदांग दे करके इनको नई भर्ती के माध्यम से पुनः सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है। तो उसी के क्रम में हम लोग जो है माननीय मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं कि दुनिया में तमाम ऐसे प्रकरण आए जो सुप्रीम कोर्ट से जो लोग हार गए और उन लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने पुनः रोजगार दिया। हम भी चाहते हैं कि संसद में एक ऐसा बिल लाया जाए कि RTE एक्ट में संशोधन किया जाए और RTE एक्ट में संशोधन करके हम लोगों को अनुभव के आधार पर 2001 से कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर टेट से पूरी छूट प्रदान की जाए और हमें पुनः सहायक अध्यापक के पद पर प्रतिस्थापित किया जाए। यही हमारी प्रमुख मांग है। हम दूसरा विकल्प भी सुझा रहे हैं कि अगर सहायक अध्यापक या RTE एक्ट में संशोधन करने में माननीय मोदी जी को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमें समानांतर पद पर पदनाम बदलकर समानांतर वेतन पर कोई दूसरा पद दे दें जिससे हम लोग उसी विद्यालय में अपनी सम्मानजनक जिंदगी जी सके और हमें रोजगार मिल सके। देखिए, जो एक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस व्यवस्था में अभी शिक्षा मित्रों को जब वो अवगत हुए हैं तो कल से एक प्रकार का रोष है और यहाँ पर उन्होंने कलेक्ट्रेट में आकर अपना ज्ञापन भी सौंपा था। डेफिनेटली हम लोगों को इंगित किया गया था कल इनके द्वारा राइटिंग में, एक धरना प्रदर्शन के लिए सूचना भी दी गई थी। स्टेट वाइड सूचना का प्रसारण हुआ है कि हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों के द्वारा एक धरना दिया जा रहा है। तो विशेष हम लोगों का जोर है कि किसी भी तरह से पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं में कमी ना रहे और जो इनके रेस किए हुए बिंदु हैं उसको हम समुचित चैनल से शासन को निर्देश। कल की जो उनका जवाब आ रहा था वो अचानक था, तो जो स्थानीय स्तर पर जो मठसेना थाने की फोर्स थी और फिर मैंने आज ये संभावित था कि कुछ आज भीड़ इकट्ठा ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए 4 SO, 1 CO साहब को और PAC 2 प्लाटून इस तरह पर्याप्त फोर्स लगाया गया कि कोई अप्रिय स्थिति ना हो। नहीं, वो चूंकि उनकी शिकायत है और वो शिकायत इस तरह की है कि वो कोर्ट के फैसले को लेके है,
तो हमारा तो सिर्फ इतना काम है कि वो किसी तरह की लैंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन वहाँ पैदा ना हो, और शांतिपूर्ण यदि वो धंधा करते हैं तो उसमें कोई हम तटस्थ रहेंगे। बाकी यदि कोई लैंड ऑर्डर की कोई स्थिति खराब करते हैं तो उसमें हम प्रभावी जो है कार्रवाई होगी या उसमें इंटरवीन करेंगे।